नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे वारी एनर्जीज के बारे में। वारी एनर्जीज को लेकर मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, जब इनको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला था तभी बताया था कि स्टॉक के अंदर ना आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। और देखिए, इस लेवल पर मैंने एनालिसिस किया था और तब से स्टॉक्स ना 2 दिन से इसमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो पहला रीज़न क्या था, मैंने वो बताया था आपको, एक 180 मेगावाट का ना इनको एक अच्छा खासा ना सोलर ऑर्डर मिला था। और मैंने बताया था कि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है, 50% से ज़्यादा इसने भाग चुका है। तो देखिएगा, इस लेवल पर आपको ना एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो रहेंगे यहाँ पे सेलिंग करना चालू करेंगे। तो देखिए, बड़े वाले सेलिंग किए और आज की जो सेलिंग देखने को मिला ना, वो यूएस की वजह से हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज एक अपडेट आया कि जो अभी ट्रंप सरकार है, जी हाँ दोस्तों, यूएस में अब ट्रंप सरकार आ चुकी है और उनका जो नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे, तो इसका ज़्यादा से इम्पैक्ट जो है ना सोलार मॉड्यूल्स के ऊपर पड़ने वाला, सोलार जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर पड़ने वाला। तो इस कंपनी के लिए इनके रेवेन्यू को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ना स्टॉक के अंदर आज दिन सेलिंग देखने को मिला, मतलब कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग था, आज दिन यूएस के वजह से सेलिंग आया। मतलब अब धीरे धीरे इसमें ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता रहेगा। अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए स्टॉक से 50% ऑलरेडी भागा हुआ है और आज के दिन में 6.5% तक तो इसने गिरावट दिया है। तो ये ना पहले तो गिरावट देगा 3,000 रुपये तक का, और थोड़ा अगर ये लेवल ब्रेक भी कर देता है तो फिर ये स्टॉक जो है आपको ना 2600 के लेवल पर फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसने ना प्रॉफिट जितना 50% किया है ना, उसके आसपास ना 25 से लेकर 30% तक का तो प्रॉफिट इसमें निकलेगा ही निकलेगा। फिर इसके बाद में रिकवरी करता है ना, तो फिर इसमें 3,400 लेकर 3,800 रुपये तक का अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशंस आपको बता दिए हम। चैनल पर बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय स्लिप को रिकमेंडेशन ही। जय हिंद।